गाइज, आई एम डॉक्टर रजत। मेरे साथ इस समय जितेंद्र जी हैं, जो 59 इयर्स के हैं। इन्होंने अभी टूथ एक्सट्रैक्शन कराया। मेरे पास जब आए थे तो काफ़ी कंफ्यूज थे कि क्या होगा, और आई थिंक एट द एंड रिजल्ट अच्छा था। और अभिषेक है, जो अभी जनरल डेंटिस्ट्री ट्रेनिंग का कोर्स कर रहा है। और अभिषेक, कहाँ से हैं आप? भुवनेश्वर। एक महीना हो गया इसको यहाँ पे, और कोर्स एक अच्छी फ्लो में चल रहा है। रूट कैनाल से लेकर एक्सट्रैक्शन तक, पेरियो सर्जरी से लेकर एंडोरोंटिक्स तक। तो जानना चाहूँगा अभी, यस जितेंद्र जी, तो जब मेरे पास आए थे तो क्या दिमाग में चल रहा था? एक्सट्रैक्शन के लिए आए थे। जब एक्सट्रैक्शन के लिए इंसान आता है या पेशेंट आता है तो बड़ा कन्फ्यूज़ होता है। जब आप आए थे तो आप यूर वेरी वेरी रिलैक्स्ड और स्माइल कर रहे थे आप, तो उसका राज क्या है वो बताइए पहले। तो डॉक्टर, पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं कन्फ्यूज नहीं था, मैं डरा हुआ था। अच्छा, जब मैंने आपको देखा तो मेरा आधा दर्द दूर हो गया, और उसके बाद ये कैसे दूर हो गया वो बताओ। मैं आप दूर आपके राज डॉक्टर साहब कि मैं अदब से माफ़ी चाहूँगा। हाँ। और डॉक्टर कम और हीरो ज़्यादा लग रहे हैं। अरे सर जी, और दूसरा ऐसे मत बोलो, नहीं तो मेरे जो पेशेंट है ना, मेरे को फिर कहीं बॉम्बे जाना पड़ जाएगा। मैं ईमानदारी से बोलूँगा। हाँ। और आपका जो इन्वायरमेंट है, आपकी जो साफ सफाई है, हाइजीन है, इसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। प्लस जो आपकी टीम है, उसके लिए मैं जितने भी कहूँगा शब्द, वो मेरे लिए कम होंगे। थैंक यू सर। एक बार मैं ज़रूर कहूँगा इस कैमरे के सामने कि आजकल हम डॉक्टर को प्रोफेशनल्स कहते हैं, लेकिन आप में सोशल वर्क है, और जो आपकी बॉडी लैंग्वेज, जो आप काम करने का तरीका है, उसके लिए मैं और मेरा फैमिली आपके आभार प्रकट करते हैं। अरे सर, यू मेड माय डे। सच में जब ऐसे फीडबैक्स मिलते हैं, मन करता है और मेहनत से काम करें और लगन से काम करें और सिर्फ स्माइल फैलाते रहें। क्यों अभिषेक, मुझे लग अच्छा नहीं लगता डॉक्टर साहब। हाँ। मुझे कहा गया था। हाँ। मैं लेकिन नाम नहीं लूंगा। हाँ। कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी। हाँ। बहुत ज्यादा दर्द होगा। हाँ। मैं दांत निकलवाने के बाद भी हंस रहा हूँ। और एक्सट्रैक्शन तो मुझे लगता है 2 सेकंड में हो गया, पता ही नहीं चला डॉक्टर, पता ही नहीं चला क्या हुआ। जी जी, तो सिर्फ और सिर्फ ये फीडबैक्स और ट्रू पेशेंट स्टोरीज बताने का सिर्फ एक ही मकसद है, पेशेंट को अवेयर करना, पेशेंट को मोटिवेट करना। एट द सेम टाइम एक डेंटिस्ट्री को एक सिंप्लीफाइड में बताना कि एक एक्सक्लूसिव डेंटिस्ट्री इज़ वेरी वेरी इजी। और जब ऐसे फीडबैक्स मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस टू फीडबैक देने के लिए। और अभिषेक, अभी कैसा चल रहा है पूरा पेस, जो जनरल डेंटिस्ट्री ट्रेनिंग का है, अभी कैसा लग रहा है? बढ़िया टू से, कैसा लग रहा है कोर्स का पूरा पेस? सर डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, एंड फुल फ्लेजेडली अभी हमको प्रैक्टिस, व्हेन यू गेट एन एक्सपोजर लाइक दैट, आपको आसानी हो जाता है जितना वैरायटी ऑफ पेशेंट्स देखते हो। यू नीड टू सी डिफरेंट पेशेंट्स एवरी डे, वो चांस मेरे को डेफिनेटली मिल रहा है। सबसे पहले हैंड में किया, फिर प्रैक्टिस किया, फिर रोटरी में किया, पेशेंट करने वाले, दिस वाज योर फर्स्ट केस, तो कॉन्फिडेंस आ रहा है डेफिनेटली। सो यू स्टिल हैव 1 month टू गो। यस सर। Hope you are learning every day. Every day, sir. Making a change in your life. Definitely. All the best. So thanks a lot. और एक ऐसे feedbacks, चाहे वो students हो चाहे वो patients हो, अच्छा लगता है हमारी motivation के लिए, और हमें प्रेरणा देते हैं कि हर दिन लगन से काम करना है, मेहनत से काम करना है, और patients की life transform करना है। But आपसे ज़रूर कुछ ना कुछ बोलना ज़रूर चाहूँगा, because मुझे लगता है आप बहुत अच्छा बोलते हैं। कुछ ना कुछ ज़रूर for my patients आपको बोलना पड़ेगा, जो आपको देख रहे हैं। आपने देखने वालों से यही कहूँगा, यदि आप स्वस्थ और निरोगी रहना चाहते हैं, इन केस अगर कोई बात हो तो डॉक्टर साहब से आप जरूर मिलिए। क्या बात है। चलो, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो है ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।